हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं आप लोगों को भाई, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल खुफिया स्ट्रेटजी, अगर इसको आप समझ लिए ना तो बहुत पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग में। बट इसको अप्लाई करने के लिए जो रूल्स बताऊंगा वो समझिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के मिड में बहुत सारे रूल्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर उस रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया तो भाई मेरे आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए फिर से मैं यही कहूँगा कि इस खुफिया स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले आपकी ज़िंदगी का 10 मिनट मुझे दे दीजिएगा चैन से। अभी समय है तो देख लीजिए, अदरवाइज इसको लाइक करके छोड़िए, बाद में देखेंगे। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये जो स्ट्रेटजी है, कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खुफिया प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। आप लोगों को पता है मेरे काम करने का तरीका, जो न्यू है उनको शायद नहीं पता, बट जो ओल्ड है उनको पता है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ और मैंने प्राइस एक्शन पे ट्रेड करके ही जो पैसे बनाए हैं बनाए हैं। जब मुझे लॉसेज होते हैं ना, ये आपको भी अप्लाई करना है, जब लॉसेज होना तो वो छोटा होना चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट हो तो लॉस का बॉस हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर ही मुझे कह रहे थे कि भाई आपके कॉल पे जब लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो वो लॉस का बॉस होता है। तो यही आपको थिंक रखना है कि जब आपको प्रॉफिट होना तो इतना बढ़िया प्रॉफिट हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये आप अपने रूल्स पे स्टिक रहोगे, अपने RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करके चलोगे। मतलब ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन बड़ी मेहनत से पूरे महीने में 10 दिन कमाया और एक दिन में आपको लॉस हुआ और सारा का सारा कमाई मिट्टी हो गया। बल्कि ऐसा होना चाहिए 3 दिन लॉस हो गया लगातार और एक दिन का प्रॉफिट, सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में ला के खड़ा कर दिया आपको, ऐसा होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए भैया आप बिल्कुल सही बात पे हो, बिल्कुल सही आपका प्रॉफिट, बिल्कुल सही आप काम करने का तरीका आपका बिल्कुल सही है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये बोलोगे ये क्या हो गया प्राइस एक्शन सपोर्ट, जी हाँ बिल्कुल, इसका है PARS स्ट्रेटजी का नाम है, प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना, ASR कर दीजिए, ये स्ट्रेटजी का नाम होगा। अभी अभी जस्ट स्ट्रेटजी का नाम सोच दिया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले रूल नंबर वन, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल आएंगे, ये रूल नोट डाउन करिए, अपने दिमाग में बैठिए। जो हमने पहले बात किया था, इस स्ट्रेटजी में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल प्लस रिस्क पर ट्रेड RPT के हिसाब से होना चाहिए। आपका RPT एंड लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, मतलब आपने अगर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ कहीं भी आप बीच में नहीं लगा दोगे, एक लॉजिकल कैंडल के आसपास होना चाहिए। अगर आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस एंड RPT रिस्क पर ट्रेड आपका दोनों मैच कर रहा है तभी आप ट्रेड लोगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि इस कंडीशन में, इस स्ट्रेटजी में कई बार स्टॉप लॉसेस बड़े मिलते हैं और हमें ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, राइट। चलिए अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन समझाऊंगा, जो है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन का मतलब क्या है, जहाँ से किसी कोई भी स्टॉक है वो स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, जब भी स्टॉक इस रेंज में आता है ऊपर भाग जाता है, मतलब ये इसका डिमांड जोन है। थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा निकला, यहाँ से ऐसे, है ना। तो ये इतना बड़ा इसका डिमांड जोन है, मतलब ये जो जोन है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना एक ऐसे डबल लाइन में बनाते हैं, देखा है आपने, ऐसे डबल लाइन बनाते हैं, वो सिंपल एक लाइन भी खींच सकते हैं लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो एडवांस लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, डिमांड सप्लाई जोन होता है। अभी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। समझ लीजिए आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, मैं कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर ले रहा हूं, जैसे कि मैं यहां पे आ जाता हूं और ये डेट यहां पे देख लेता हूं मैं।
अब यहाँ पे देखिए 14 तारीख को या फिर उससे पहले 13 तारीख को भी आप देख सकते हो, 14 को भी आप देख सकते हो, 14 तारीख को हमारे पास जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट का एक कैंडल बना, राइट 15 मिनट का कैंडल बना। अब ध्यान से देखिए ये कैंडल जो है 15 मिनट का कैंडल, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ आपको समझ में आएगा फिर, है ना, ऐसे आपको दिख नहीं रहा क्लियरली। हाँ ये देखिए अभी ठीक है, मैं ये मूविंग एवरेज बंद कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा अब चीज़ों को मेरे। अब देखिए सबसे पहले आपको थ्योरी समझा दे रहा हूँ, जब भी प्राइस एक नए लेवल को टेस्ट करेगा पहले दिन, हम उस लेवल को मार्क कर लेंगे हाई और उस लेवल के लो को। अब हमें एक चीज़ पता लग गया है कि जब एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस प्राइस को मिल जाता है, जैसे ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, जब भी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस मिल जाता है, जब उस लेवल को रीटेस्ट करता है प्राइस, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये लास्ट लेवल को रिस्पेक्ट करे। देखिए स्ट्रेटजी बहुत कामयाब स्ट्रेटजी, मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, लेकिन आपको भी क्या करना है, बैक टेस्ट जरूर करना है स्ट्रेटजी को, है ना। अभी क्या करना है, तो आपने क्या करना है, एक डे का कोई भी एक डे का आपको सप्लाई जोन ऊपर का फाइंड कर लेना है, और प्राइस जब जब उस सप्लाई जोन के आसपास आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस रिवर्स होगा। देखिए यहाँ पर रिवर्स हुआ है, पहले यहाँ पर सप्लाई जोन था ये पूरा, अगेन जब प्राइस नीचे आया और उसके बाद इस जोन को टेस्ट किया तो रिवर्स हुआ प्राइस। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ पे लास्ट टाइम प्राइस टेस्ट हुआ था और फिर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब चांसेस है जब इस सप्लाई जोन के अंदर आएगा हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस को, है ना, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, चाहे बैंक निफ्टी है, निफ्टी या कोई भी स्टॉक है, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, स्टॉप लॉस का फंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका सप्लाई जोन है, जो आपका सप्लाई जोन है उससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको देखना क्या है, प्रीवियस कुछ कैंडल का, लास्ट डे के कैंडल का, कि उस सप्लाई जोन के आसपास में क्या कोई हाई है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अब हमने क्या बनाया था, अब देखिए आपको एकदम लॉजिकली समझा रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, है ना। अब देखिए हमने क्या बनाया, ये 15 मिनट का कैंडल, ये दूसरा कैंडल बना, 15 मिनट का पहला कैंडल ये बना, हमने यहाँ पे लाइन लगाई, देखिए दूसरे कैंडल में प्राइस ऊपर निकल गया। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि ये जो है वो सप्लाई जोन है, ये जो है एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ से प्राइस, ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपको कैंडल्स जरूर छोटे लग रहे हैं लेकिन प्राइस ने मूव बहुत किया है। अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ पे टेस्ट करके जब प्राइस गिरा है, कितने पॉइंट गिरा है, देखिए 105 पॉइंट, है ना, 105 पॉइंट गिरा है। 105 पॉइंट गिरने के बाद अब चांसेस क्या है कि जब दोबारा प्राइस इस चीज़ को टेस्ट करेगा, प्राइस यहाँ पे आया है, यहाँ से इसको सप्लाई मिली, नीचे आया, अब जब दोबारा टेस्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस जोन से प्राइस गिरेगा, क्योंकि इसको लास्ट टाइम यहाँ से सप्लाई मिली थी तो अभी भी सप्लाई मिलने के चांसेस हैं। सेकेंड टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, देखिए उसके बाद इसको टेस्ट किया, मार्केट फॉल, समझ रहे हैं, मार्केट फॉल, यहाँ से आप एम पैटर्न भी देख सकते हो, एम पैटर्न बना के मार्केट फॉल हुआ। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, अब हम पिछले दिन में चलेंगे, क्या इसी सप्लाई जोन को कहीं कल पिछले जोन में सेम रेंज पे सप्लाई जोन बना था, हाँ यार बना था, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी भाई, इस सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर हमने समझ लीजिए यहाँ पे शॉर्ट लिया है 722 पे, तो हम क्या कर सकते हैं, सात इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं हम, लॉजिकली हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 900-790 का बन रहा है, ठीक है ना। कैसे 790 का बन रहा है मेरे भाई, ये देखिए लास्ट डे का हाई 790 का बन रहा है, ये लॉजिकली हमारा स्टॉप लॉस ये बन रहा है, कितने पॉइंट का हो रहा है, क्या वन, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसलिए बहुत ज़रूरी है, 71 पॉइंट का। क्या यहाँ से अगर हम देखें हमें प्रॉफिट मिला है, ओहो 235 पॉइंट, खतरनाक। चलिए आइए एक और बैक टेस्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है ना। देखिए सारा दिन में एक बार भी इस स्टॉप लॉस के पास प्राइस भटका भी नहीं। चलिए एक और बैक टेस्ट करते हैं, आप ऐसे करते हैं थोड़े से अगले दिन में चलते हैं, ये हमने 14 तारीख को देख लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आइए 15 तारीख का शुरुआत हुआ यहाँ पे, 9:15 का कैंडल, राइट। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये 15 मिनट का कैंडल है, हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया इसके लो के आसपास, सप्लाई जोन पूरा यहाँ तक बनेगा तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए प्राइस दोबारा फिर इसको टेस्ट नहीं किया है तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, नया चाहो तो आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे दोबारा टेस्ट नहीं हुआ है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे टेस्ट होता, अगर यहाँ पे टेस्ट होता
तो एक बढ़िया शानदार गिरावट आता है। यहाँ पे अब रूल नंबर टू, देखिए गाइस, ट्रेडिंग जो है ना वो कोई भी एक सिंगल स्ट्रेटजी पे आप डिपेंड करके नहीं रह सकते हो, आपको बहुत सारा दिमाग एक साथ माइंड लगाना पड़ता है। अगर आप माइंड नहीं लगा के सिर्फ मेरे स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे तो आपको पैसा नहीं बनने वाला है, लिख के ले लो। बल्कि किसी के भी स्ट्रेटजी पे वर्क करेगा करोगे आप तो पैसा नहीं बने, आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना। अब देखिए यहाँ पे ये लेवल देखिए, लास्ट डे में हमें पता था कि प्राइस बार बार यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा था। कहाँ पे दोस्त, ये देखिए, जब जब प्राइस इस रेंज में आ रहा था, प्राइस ऊपर को भाग रहा था, तो ये एक डिमांड जोन है भाई। मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स हुआ, ऊपर से फिर नीचे इस डिमांड जोन को टेस्ट किया। तो अगर आप चाहते तो इस स्ट्रेटजी के खिलाफ जाके इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते थे, समझ रहे हो, क्योंकि ये कल का डिमांड जोन था और आज भी वही डिमांड जोन जो है वो काम किया है। तो डिमांड और सप्लाई जोन पे बेस्ड ये पूरा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। देखिए यहाँ से अगर आपने बाय किया होगा तो फिर प्राइस जूम सीधा ऊपर, कितने पॉइंट मिल गए, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा था मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे भी आप किए हो तो स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का, 57 पॉइंट का टारगेट देखिए, 353 पॉइंट का एक दिन में। चलिए आइए आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या कुछ बनेगा 16 तारीख को। ओहो कितना शानदार पैटर्न बना है 16 तारीख को, देखिए डिमांड एंड सप्लाई जोन। लास्ट टाइम पे यहाँ से हमें सप्लाई मिली थी, कैसे सप्लाई मिली थी भाई, ये देखिए ना, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल मिला, चौथा कैंडल ग्रेट रेड हो गया, मतलब यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस, बैटल हो रहा है। ध्यान से यही चीज़ें देखनी है भाई, प्राइस एक्शन में मेन खेल बायर और सेलर का है। अगर आप बायर और सेलर की लड़ाई देख लिए ना तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपने देखा ये ये ये, एक बच्चा भी बता देगा कि लास्ट वाले टाइम पे प्राइस में गिरावट आया है, मतलब यहाँ से प्राइस में सप्लाई मिली है, लेकिन कल मॉर्निंग में प्राइस खुल जाता है एक गैप अप ओपनिंग। तो जो रजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था आर था, जब प्राइस नीचे से इसको हिट करेगा तो इसके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन इसी चीज़ को प्राइस अगर ऊपर से हिट करे तो ये सपोर्ट बन जाएगा। आर एस फ्लिप कहते हैं इसे, पता होगा आप लोगों को, अगर पता है तो कमेंट में बताइए आर एस फ्लिप। और स्ट्रेटजी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा, क्या कुछ लर्निंग मिला है। अगर आप लोगों को लर्निंग नहीं मिल रहा है तो भाई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाया करूँगा आज के बाद, और अगर लर्निंग मिल रहा है तो फिर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं आप लोगों को बताने के लिए, हज़ारों स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने अपने 8 ईयर के करियर में लगाया हुआ है, वो हज़ारों स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी देखिए प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर इसको टेस्ट किया और फिर प्राइस बूम, एक टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, प्राइस बूम। एक टेस्ट मिलेगा, जब दूसरा टेस्ट होगा चांसेस रहेंगे प्राइस रिवर्स होगा, उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा। आप इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करते तो आप गलत थे, फर्स्ट टच के बाद सेकेंड टच जब आता है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है और प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। चलिए आइए अगले दिन में चलते हैं। हाँ ये हो गया 16 तारीख, ये हो गया 17 तारीख, आइए 17 तारीख को चलते हैं, देखते हैं 17 तारीख को क्या प्राइस ने गुल खिलाया। ये देखिए अब देखिए 17 तारीख को फिर 15 मिनट के कैंडल के हाई पे मार्किंग करेंगे, राइट। ये देखिए प्राइस ने क्या किया है भैया, हमें पता है कि जितना मर्जी ब्रेकआउट दे दे ले बेटा, तू पहली बार में के पहली बार टेस्ट और दूसरी बार के टच में तू बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा लोगों को, ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे ही एक रेड कैंडल बना, जैसे ही एक रिवर्सल कैंडल बना, आप चाहे तो यहाँ पे सेल कर लो, आप चाहे तो इसके लो के नीचे सेल कर लो, इसके लो के नीचे, इसके इस कैंडल के लो के नीचे, इसके लो के नीचे सेल कर लो और प्राइस देखिए बूम, समझ रहे हो, इस लो के नीचे सेल किया प्राइस बूम। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे भाई इसमें, पिछले दिन में तो बहुत नीचे है स्टॉप लॉस। ये जो विक बनाया है इस विक के ऊपर लगा दीजिए आंख बंद करके, बस इस विक के ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए, जब इस विक को तोड़ेगा हम एग्जिट कर जाएंगे। कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़ा टारगेट मिला, देखिए रिस्क लेना आना चाहिए भाई, 68 पॉइंट से स्टॉप लॉस से ये देखो 594 पॉइंट खाने को मिले हैं, 594 पॉइंट, रिस्क लेना आना चाहिए, पैसे तो अपने आप बन जाएंगे, करेज होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए ट्रेड लेने का। अगर आप डरते हो ना ट्रेड लेने से फिर पैसे नहीं बनेंगे, ट्रेड ले लो। अब देखिए क्या यहाँ पे ये रूल लागू कर पाएंगे दोबारा हम सेम डे पे, ये देखिए लगातार लगातार प्राइस गिरा, लगातार लगातार प्राइस गिरा। अब देखिए ध्यान से, ये जो 15 मिनट का कैंडल था लगातार इसको निकल गया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, लगातार इसके नीचे निकल गया, मतलब ये हमारे लिए फेल हो गया, हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे। रिवर्सल ट्रेड फिर कहाँ से करें भाई, एक टेस्ट किया है, दो टेस्ट किया,
दूसरे टेस्ट में रिवर्स हो गया, समझ रहे हो, एक टेस्ट किया, दूसरे टेस्ट किया, दूसरे टेस्ट में रिवर्स हो गया। हमें चाहिए एक, जब ये इसको ब्रेक कर रहा है, और एक हमें रिवर्सल कैंडल चाहिए। अगर एक रिवर्सल कैंडल हमें मिल रहा है इस एक्शन के आसपास, तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको एक रिवर्सल कैंडल आपको फाइंड हो भी रहा था, स्टॉप लॉसेस होंगे, ऐसे नहीं है स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे मेरे भाई। यहाँ देखिए, अब आपकी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, अभी आपके माइंड में एक ही आ रहा होगा, ये एक रेड कैंडल था, ये लास्ट डे का हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन के पास प्राइस सीधा नीचे आया, हम सोचेंगे ये एक फेक वीक है, उसके बाद प्राइस जब ऊपर गया तो क्या कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया है भाई, क्या ये कोई बुलिश कैंडल इसको आप कहोगे? हम जब ट्रेड लेंगे तो हम बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हैं ना, हम सपोर्ट पे जब बाय करेंगे तो हमें बुलिश कैंडल चाहिए, और रेजिस्टेंस पे जब बाय करेंगे हमको बीरिश कैंडल चाहिए। क्या ये कि बीरिश कैंडल बोलेंगे? बोलेंगे। क्या इसको एक बुलिश कैंडल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड खारिज, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बियर्स ने इनको, भालू ने इनको ढकेल दिया। देखिए, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ढकेल दिया, और प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे आई है, इस सपोर्ट जोन के नीचे आई है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला टच हमने मार्क कर लिया, लाइन ऊपर गया, चल जा तू भाई। दूसरा टच बुलिश कैंडल, हमने ट्रेड ले लिया, बूम, राइट। इस तरह से स्ट्रेटजी आपको लगाना है। अगर हम इसको बैक टेस्ट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एक चीज इस स्ट्रेटजी से आपको एक चीज सीख मिल गया है, वो क्या है, एक लेवल है, जब प्राइस इसको पहली बार छुएगी तभी तो हम लेवल बना पाएंगे ना, समझ लीजिए ऐसे प्राइस एक्ट कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगा लिया कि अब जब प्राइस इसको टेस्ट करेगा ना सेकेंड टाइम, तो रिवर्सल के चांसेस बहुत होंगे, और हमने यहाँ से सेल किया, और देखिए मार्केट नीचे। सपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे लाइन हम कैसे बनाओगे? जब सपोर्ट आपको जोन मिल रहा है, सपोर्ट जोन पे आप लाइन तभी बनाओगे जब वहाँ पे प्राइस मिलेगा आपको, है ना। प्राइस ऐसे चला है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है, आपको कहाँ पर सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट है कि ये मार्केट का सपोर्ट है। अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट करेगा सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, सेकंड टाइम में चांसेस होंगे रिवर्सल के, थर्ड टाइम में हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, लेकिन अब कई बार आपको ऐसा भी सिनेरियो मिलेगा। रूल नंबर 3 नोट कर लीजिए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, सेकंड टाइम पे टेस्ट किया, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करने लग गया, तुरंत एग्जिट, तुरंत एग्जिट कर जाइए। मतलब यहाँ पे ये एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा ना तो सीधा ऊपर ही निकलेगा, फिर रीटेस्ट करने भी नहीं आएगा, आपको स्टॉप लॉस खाने भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर स्ट्रेटजी अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कल लाइव में आऊँगा, पूछ लीजिएगा। अगर आप आज देख रहे हो 10 तारीख को, 7 तारीख को अक्टूबर में, चलिए ठीक है यार।